हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम पर. हम हैं कलम से क्रांति. मैं पूर्णिमा गौड़ स्वागत करती हूं आप सभी का, आप लोगों के अपने साइंस की क्लास में. कैसे हैं आप सभी? जितने भी मेरे सभी प्यारे छात्र हैं, एक बार जल्दी से सभी लोग यहां पे आ जाएंगे और अपनी इस क्लास को एक बार शेयर कर देंगे. ठीक है, तो जितने भी छात्र हैं उन सभी को यहाँ पे आना है. और कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं अभी रिसेंटली जो करंटली आप लोगों के पेपर में पूछे जा रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चन हैं. ठीक है, तो फटाफट आएंगे एक बार सभी लोग. ओके, हेलो प्रीति, शुभम, बाकी बच्चे कहाँ हैं? कहाँ गायब हो भाई? इतने इतने कम बच्चे, सब गायब यहां से. ये शुभम स्टार्क तो चलो आ गया फाइनली. कहाँ गए थे घूमने, मुझे ये बताओ. ओके रोहित, ओके सुशील, हर्ष, अर्जू, अनूप, मिस्टर चौधरी, निधि. ठीक है, जितने मेरे प्यारे छात्र हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है. ध्यान देंगे कि आप लोगों के लिए 14 जनवरी 2022 तक testwale.com पर फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है. 6 महीने, अगर आप अभी आप लोगों ने रजिस्टर किया और उसके बाद इसको सब्सक्राइब किया तो आप लोगों को 6 महीने का टेस्ट जो होगी वो फ्री मिल जाएंगे. उसके बाद फिर इट विल कन्वर्ट इनटू पेड वन. तो इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि आप लोग इसे फ्री वाला यूजेज रखें भाई. जो हमारे रेगुलर छात्र हैं एटलीस्ट वो तो इस चीज़ का लुत्फ उठा ही लें, इस चीज़ का बेनिफिट ले ही लें. ठीक है, तो ये जो होगा 14 जनवरी 2022 तक ही अगर आप रजिस्टर करोगे तभी आपको ये फ्री मिलेगा, अदरवाइज आपको ये फ्री नहीं मिलेगा. साथ साथ आप लोगों के लिए खुशखबरी है, और वो क्या है कि आप लोग जो पर्चम बैच पढ़ रहे हो, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो हमारे साथ पर्चम बैच से जुड़े हुए हैं, तो आप अकेले ही नहीं, आपके साथ 50,000 और बच्चे हैं, यानी कि 49,999 और बच्चे हैं आपके अलावा जो इससे जुड़े हुए हैं. ठीक है, तो भैया इतने सारे बच्चों ने परचम बैच पर अपना भरोसा जताया है, तो आप लोग क्यों पीछे हैं? लेट्स मेक दिस नंबर 1 लाख. ठीक है, तो हम चाहते हैं कि 1 लाख बच्चे हमारे साथ उसमें जुड़ें और उन सभी को फायदा हो. जो अपना परचम बैच है इसका कोर्स प्राइस है 1300 रुपीज. ठीक है, 1300 रुपीज इसका कोर्स प्राइस है. लेकिन अगर आप चाहें तो आप लोग इस पे 25% डिस्काउंट पा सकते हैं अगर आप न्यू 25 कोड का इस्तेमाल करोगे. ये जो न्यू 25 कूपन कोड है यह आपका 7 जनवरी तक एप्लीकेबल है, उसके बाद फिर ये एक्सटेंड नहीं होगा. तो जितने भी छात्र हैं वो ध्यान रखेंगे कि आप लोग इस कूपन कोड को जल्दी लगा के बढ़िया तरीके से आप इस परचम बैच से जुड़ जाइए. यहाँ पे अपने SSC के तीनों जो मेजर कोर्सेज हैं, SSC CGL, CHSL और MTS, तीनों की तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है. ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी. चलो अब पहला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, निम्न में से किसको नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर कहते हैं? अब देखो, सॉल्ट पीटर का आपसे पेपर में कई बार सवाल पूछा जाता है, तो जल्दी से बताइए निम्न में से किसको नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर कहा जाता है. जल्दी से बताइए, पोटेशियम नाइट्रेट को, नाइट्रस ऑक्साइड को, कैल्शियम नाइट्रेट को, या फिर सोडियम नाइट्रेट को? जल्दी से बताएंगे सोडियम नाइट्रेट को. अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं जरा. ये देखो, जो अपना पोटेशियम नाइट्रेट है इसको हम सॉल्ट पीटर कहते हैं, सिंपल सॉल्ट पीटर कहते हैं, यानी कि शोरा कहते हैं. चिली शोरा किसको कहा जाता है? चिली शोरा कहा जाता है अपने सोडियम नाइट्रेट को, चिली शोरा. ठीक है, यानी कि चाइल्ड सॉल्ट पीटर. और जो नाइट्रस ऑक्साइड है, आपको याद है ये कौन सी गैस है? दिस इज योर लाफिंग गैस, है ना. तो बाकी बचा क्या? बचा अपना कैल्शियम नाइट्रेट. ये जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है इसी को हम क्या जानते हैं? इसी को हम नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर के नाम से जानते हैं. तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर. ठीक है, ध्यान रखोगे इसका. चलो तो आंसर सी. ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट. ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहता है कि साउंड विच इज अ मैकेनिकल वेव कैन नॉट ट्रेवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम. भाई देखो, अगर मैं ध्वनि की बात करती हूं तो यह क्या है? एक मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग है. अब यांत्रिक तरंग की खास बात क्या होती है कि ये जितनी भी यांत्रिक तरंगे होंगी ये सभी क्या करती हैं? ये सभी, इन सभी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी एक मॉलिक्यूल की आवश्यकता है. मतलब ये पर मॉलिक्यूल ट्रांसफर होती जाती हैं.
ठीक है, ये मॉलिक्यूल दर मॉलिक्यूल क्या करेंगी, ट्रांसफर होगी ये वेव। तो बेसिकली साउंड वेव जो होती है वो किसमें से पास होगी और किससे नहीं होगी, जल्दी से बताएंगे, क्या आंसर करोगे? हाँ, वैक्यूम इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। क्या हो जाएगा कि मैम जो साउंड होती है ना वो निर्वात में नहीं ट्रेवल कर सकती, क्योंकि निर्वात में आपका कोई पार्टिकल मौजूद नहीं होता है। जबकि अगर मैं यहाँ पे साउंड की बात करूं तो इसकी स्पीड कौन से माध्यम में कितनी होगी ये भी बता दीजिए। जैसे अगर मैं बात करूं इन तीनों में से साउंड की स्पीड जो होगी वो सबसे ज्यादा स्टील में होगी, स्टील से थोड़ी सी कम किस में होगी, वाटर के अंदर होगी, और उससे थोड़ी सी कम होती है एयर के अंदर। ठीक है, तो साउंड की जो ट्रैवलिंग कैपेसिटी है वो भी ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा वो सॉलिड्स यानी कि ठोस के अंदर सबसे तेज, उससे थोड़ा कम तरल में यानी कि द्रव में, और उससे कम गैस में वो ट्रैवल करती है। और वैक्यूम में उसकी स्पीड कितनी होती है, जीरो होती है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहता है कि लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, शिप्स एंड सबमरीन्स आर डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, बताइए जरा जल्दी से कि लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाज और पनडुब्बियों के डैश के आधार पर बनाया जाता है। अच्छा, ये जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जितने भी आपकी सारी चीजें हैं वो सब किस आधार पर बनाया जाता है, आपको बताना है कौन सा प्रिंसिपल उसका वो है, क्या बोलते हैं, गवर्निंग प्रिंसिपल होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, थ्योरी ऑफ बॉयंसी, थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, चलो जल्दी से बताएंगे किस चीज के ऊपर ये आधारित है, जल्दी से बताइए। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, शिप्स और सबमरीन। अब देखो बेसिकली क्या था, बेसिकली अपने एक डी, अच्छा थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, अच्छा ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर ये आधारित है, ओके। कर लिया आंसर, सी डी, सी एच एस एल और सी जी एल का सिलेबस सेम होता है। अच्छा ठीक है जी बच्चे, ध्यान रखना सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस तीनों का सिलेबस प्री के लिए बिल्कुल सेम होता है, इसमें कोई आपकी चीजों में डिफरेंस नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलो अब जरा यहाँ पे देखते हैं कि ये जो अपना आर्किमिडी मतलब ये जो लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर है, इन सब में क्या होता है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ अगर आपसे लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर पूछा जाता तब आप फिर भी रिलेटिव डेंसिटी आंसर कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं शिप्स और सबमरीन्स, इसमें कौन सी रिलेटिव डेंसिटी का आपका कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, जल्दी से बताओ सोच के। अच्छा, उत्प्लावन बल लग जाएगा, ठीक है। और कुछ सर भी कह रही हैं, ए आर्किमिडीज प्रिंसिपल लग जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर वगैरह जितनी भी आपकी सारी चीजें होती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के आधार पे इस चीज को पूरे को डिजाइन किया जाता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि आपका कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है, जब वो जितनी आपके किसी एक पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर डाली जाती है तो वो उतना ही जो लिक्विड होगा उसको डिस्प्लेस करती है, उसको अपनी जगह से हटा देती है, ठीक है। तो यही जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है इसी के ऊपर आधारित है आपके ये ऊपर के चारों उपकरण, ठीक है। तो ध्यान रखना आंसर क्या हो जाएगा इसका, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहता है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ यानी कि IUCN द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है। तो आपको यह बताना है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा इनमें से किसको बोला गया है कि ये बहुत ज्यादा जल्दी एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ रही है, मतलब ये हमारी पृथ्वी से बहुत जल्दी लुप्त होता चला जा रहा है। जाइंट अफ्रीकन स्नेल, चैनल्ड एप्पल स्नेल, चाइनीज मिस्ट्री स्नेल या फिर गार्डन स्नेल, क्या आंसर करोगे? 1 दिसंबर को आप लोगों के जीडी के पेपर में सवाल पूछा गया था, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे और क्लास को शेयर भी करेंगे,
ठीक है, जाइंट अफ्रीकन स्नेल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, जल्दी से एक बार उत्तर दीजिए। हाँ, क्या हो जाएगा? वेरी गुड। तो जो भी बच्चे यहाँ पे जाइंट अफ्रीकन स्नेल आंसर कर रहे हैं, आंसर बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे बात आ जाती है, मैम ये जो स्नेल है इसका किंगडम कौन सा है? तो ध्यान रखना ये एक एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है। दूसरी चीज कि मैम ये जो स्नेल होता है इसका फाइलम कौन सा है, इसका संघ कौन सा है? तो ध्यान रखना ये संघ मोलस्क को बिलोंग करता है। ठीक है, किसको बिलोंग करता है? संघ मोलस्क को, यानी कि यह आपका एक मोलस्क हमें देखने को मिलता है, इसके अंदर हमें सॉफ्ट बॉडी देखने को मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखोगे? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किस चीज में के नेट प्रॉब्लम आ रही है बच्चे, क्या हो गया यहाँ पे? तो मुझे सब कुछ सही दिखाई दे रहा है। हाँ, एनिमल क्या किंगडम, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव डैश कहलाता है। देखो, कीपिंग एंड मेंटेनिंग हनी बीज एंड हाइव्स फॉर हनी इज नोन एज, आप लोगों को क्या करना है, मधुमक्खी के छत्ते के अंदर क्या करना है, मधु का पालन करना है, आप लोगों को शहद को इकट्ठा करना है। तो जब आप उस शहद को इकट्ठा करते हो तो आप उनमें से कौन सा कल्चर करते हो? फ्लोरिकल्चर करते हो, एपिकल्चर करते हो, सेरिकल्चर करते हो, या पिसिकल्चर कहते हो करते हो? तो ध्यान रखना ये जो अपना पिसिकल्चर होता है इसका मतलब होता है मछली पालन। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो बेटा, यहाँ पे आप लोग मछलियों का पालन करते हो, यानी कि आप मछलियों के बारे मछलियों को पालते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और वर्ड यहाँ पे आ जाता है, एक्वा कल्चर, ये भी ध्यान रखना। ये अपना एक्वा कल्चर क्या होता है, जब आप वाटर बॉडीज का पालन करते हो, जैसे आपने केकड़ा पाला, ठीक है, आपने जो है मछलियां पाली, आपने प्रॉन्स पाले, तो ये जितनी भी चीजें हैं सब पानी के अंदर मिलती हैं, अगर आप इन सब का पालन करते हो तो आप एक्वा कल्चर करते हो। ठीक है, तीसरा क्या है यहाँ पे, सेरिकल्चर, सेरिकल्चर के लिए आप सिल्क वर्म की खेती करते हो, यानी कि रेशम के कीट की जो खेती होती है उसको हम कहते हैं सेरिकल्चर, और जो बीज होती हैं, जो मधुमक्खियां होती हैं, उनको एपिस नाम से जाना जाता है। ठीक है, एपिस का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी होता है, तो मधुमक्खियों का पालन एपिकल्चर हो गया। लास्ट आया फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोरिकल्चर क्या हो जाता है, यह आप लोगों के लिए किस चीज का वो हो जाएगा, यह आप लोगों के लिए फ्लोरिकल्चर में आप फ्लावर्स का वो करोगे, खेती करोगे। ठीक है, फ्लावर्स को उगाते हो, दैट इज नोन एज फ्लोरिकल्चर। ठीक है, तो ये सब चीजें सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ये चारों ही बल्कि पांच यहाँ पे आपको चीजें बताई हैं, पांचों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, व्हाट आर द ऑर्गेनिजम्स दैट गिव बर्थ टू बेबी ऑफस्प्रिंग कॉल्ड, मतलब आप लोगों को सीधा सीधा यह पूछा गया है कि आपके वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने सीधा बच्चों को जन्म देते हैं उनको हम क्या कहते हैं। नंबर वन, विवीपेरस, यानी कि वो जरायुज होते हैं। विखंडनशील, यानी कि वो फिसी पैरस होते हैं। ओवीपेरस होते हैं या फिर ओवो विवीपेरस, ओवो विवी पैरस होते हैं। जल्दी से बताओ क्या आंसर करोगे, हाँ चलो जल्दी से बताओगे, बहुत इजी क्वेश्चन है मैम ये तो देखो आपने तैयारी इतनी अच्छी करी है इसीलिए तो आपको इजी लग रहे हैं। आप देख रहे हो जीडी में बच्चा ऐसे आके कह रहा था मैम बहुत टफ पेपर आया था, साइंस का तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, अब आप बताओ ये कुछ अलग क्वेश्चन है, सब वही क्वेश्चन है जो आपको कई बार करा रखे हैं लेकिन मानते ही नहीं हो आप लोग। चलो तो आंसर ओवी पैरस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक बार तालियां बजाओ अपने लिए, आंसर गलत कर दिया है। अब यहाँ ध्यान देखो, देखो वीवी पैरस क्या होता है, वीवी पैरस वो जो अपने बच्चे को, जैसे हम लोग हैं हम वीवी पैरस हैं, हम बिल्कुल अपने बच्चे को ही जन्म देते हैं, पहले ऐसा नहीं पहले अंडे को जन्म दिया अंडे में से बच्चा निकल रहा है, ये नहीं होता। तो हम लोग हैं वीवी पैरस यानी कि जरायुज। ठीक है, दूसरा आ जाता है ओवी पैरस, ओवी पैरस कौन होते हैं, जो एग ले करते हैं, जैसे बर्ड्स जो होते हैं,
जो रेप्टाइल्स होते हैं, इनकी पक्षी हुए, मछलियां हुई, ये जो अपने सांप हुए, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब ओवीपैरस हैं, अंडे को जन्म देते हैं और अंडे में अंडे को फिर सहते हैं और सहने के बाद क्या होगा, उसमें से फिर बच्चा निकलेगा, ठीक है, उसमें से फिर बच्चा निकलेगा। तो यहां ध्यान रखिएगा कि अंडज क्या होते हैं, आप लोगों के अंडज यानी कि ओवीपैरस आपके जीव जो अंडा देते हैं, ठीक है। अच्छा, विखंडनशील या फिजीपैरस क्या होते हैं, तो फिजीपैरस वो होते हैं जैसे अमीबा। अमीबा क्या करेगा या बैक्टीरिया क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड कर लेता है, अपने उसी एक बॉडी में से दो नए बच्चे बन जाते हैं, ठीक है, यानी कि पिछली बॉडी खत्म, उससे दो नए बच्चे बन गए। तो बेसिकली इस प्रकार की जो संरचना होती है उसको हम फिसीपैरस कहते हैं, ठीक है, विखंडनशील या फिसीपैरस, ठीक है, ध्यान रखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन थंडर 2020 निम्न में से संबंधित है किससे, बताइए। जो अपना ऑपरेशन थंडर 2020 है वो किससे रिलेटेड है, कोविड 19 के लिए वैक्सीन से संबंधित है, आतंकवाद के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से संबंधित है, चक्रवाती तूफान से राहत और बचाव से संबंधित है, या फिर पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ कार्यवाही से संबंधित है। क्या आंसर करोगे, जल्दी से बताएंगे आंसर करो। हाँ जी, ओके, सी 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 इसका आंसर डी है। चलो वेरी गुड, जो भी बच्चे इसका आंसर डी है दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ऑपरेशन थंडर 2020 किससे रिलेटेड है, तो यहाँ ध्यान रखना कि यह एनवायरमेंटल ऑफेंसेस के खिलाफ जो एक्शन है उससे रिलेटेड है। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर जगह पे बोल रखा है कि यहाँ पे पर्टिकुलेट मैटर के कारण पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको आग नहीं लगानी चाहिए, ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए, या फिर ऐसे सब एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए आपको काम करना है, और अगर आपने किया तो इसके खिलाफ आप पे कार्यवाही होगी। तो वही जो चीज है कि आपने पोल्यूशन को बढ़ाने में अगर आपने कुछ योगदान दिया होगा तो आपके खिलाफ वहां पे कार्यवाही की जाए, वो ऑपरेशन थंडर 2020 के अंडर आता है, ठीक है। और वैसे भी दिमाग लगा लेते, मैम साइंस की हैं तो साइंस में या तो ये होता या ये होता, बी कैसे आंसर दे रहे थे, ठीक है। तो सीधी सी चीज है मैम, ए या डी वाला ही तो ऑप्शन को जो है आप लोगों को देती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऐसे कौन से आपके फ्लावर्स हैं जो रात में खिलते हैं, जल्दी से बताइए। एंजल्स ट्रम्पेट, गैजियाना डेजी, वेनेशियन या वेनिस मैलो, या फिर जैमेकन फीवर प्लांट, जल्दी से आंसर कीजिए। इनमें से कौन रात में खुलता है, रात में खिलता है, सॉरी। ओके ओके, वेरी गुड प्रीति, बहुत अच्छे सुरभि, क्या बात है, वेरी गुड, जल्दी से बताइए। ओके, रात की रानी, लेकिन इसमें रात की रानी तो दे ही नहीं रखा, फिर क्या करोगे आंसर। ओके सी ए, अब पता है देखो ये ना एग्जैक्टली मैंने हिंदी वाले को ही टाइप करने को दिया था और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कराया, इस वजह से कई बार, हाँ नहीं तो हम लोगों को लगता है कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं कर दिया मैम ने, कि हिंदी में ऑप्शन कुछ और आए और मैम ने हमें अंग्रेजी के पढ़ा दिए। तो ध्यान रखना पेपर में ऐसे ही आया था, और ध्यान रखना इसमें से जो एंजल्स ट्रम्पेट होते हैं ये आपके वो फूल हैं जो रात में खिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जरा इनकी शक्ल देखो, ये ना कैसे होते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा इनको, पीले पीले से होते हैं अक्सर ये, है ना,
तो ये देखो, आप लोगों ने अक्सर ये वाला फूल देखा होगा, सब लोगों के घरों के आसपास ये मिल जाते हैं, तो इनको हम एंजल्स ट्रम्पेट कहते हैं। और आप ध्यान देना, अगले दिन सुबह जो है ना, ये नीचे पड़े हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो जनरली ये क्या होते हैं, रात में खिलते हैं, ठीक है। इसके हमें अलग अलग वैरायटीज मिल जाती हैं, लाल रंग के, मतलब गुलाबी रंग के, सफेद रंग के, बहुत सारे इसके वैरायटीज हमें देखने को मिलती हैं। तो ध्यान रखना इस चीज को कि एंजल्स ट्रम्पेट जो है रात को खिलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आप लोगों से, शिशुओं में जन्म के समय निम्न में से कौन सी हड्डी नहीं होती, जानुका यानी कि नी कैप, गाल यानी कि चीक, श्रोणी यानी कि पेल्विक, या फिर कॉलर। जानुका को आप पटेला भी कहते हो। चलो जल्दी से बताओ, इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती। यस ओके, हाँ रात की रानी, ठीक है बेटा ओके। चलो जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो, बच्चे जो होते हैं, आप कहोगे मैम जब बच्चे पैदा होते हैं तब उनके अंदर 300 से ज्यादा हड्डियां होती हैं, ठीक है, लेकिन बड़े होते होते वो 206 हो जाती हैं। तो वो ऐसी कौन सी हड्डी है जो बच्चों के अंदर बचपने में नहीं होती लेकिन वो बड़े होते होते बन जाती है। तो आप क्या कह दोगे, जल्दी से कोई बच्चा आंसर करेगा इसका। संजय वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अनीता ओके वेरी गुड, जो भी बच्चे यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, सिर्फ संजय का आंसर सही है वैसे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो आपकी घुटने की हड्डी होती है ना वो बच्चे के अंदर नहीं होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, बच्चे के जन्म के समय निम्न में से कौन सी हड्डी नहीं होती है, तो दैट इज नी कैप, ठीक है। ध्यान रखोगे इस बात को, पटेला उसके अंदर नहीं होती है, बाकी सभी हड्डी होती है। अरे कोई अगर वैसे भी न्यूबॉर्न बेबी देखना, उसकी ये वाली हड्डी है तो कॉलर बोन है। अगर उसके उसके पास बटक्स होते हैं कि नहीं होते, मतलब उसके पास हिप्स हैं कि नहीं, आप कहोगे हैं मैम, तो इसका मतलब ये वाली भी हड्डी है। फिर साथ साथ उसके चीक यहाँ पे हड्डी होती है क्या, जी बिल्कुल यहाँ पे भी होती है ये वाली हड्डी। तो बेसिकली ये तीनों हड्डी है, लेकिन घुटने पे कभी हाथ लगा के देखना किसी छोटे बच्चे के, वहां पे वो आपके जैसे घुटने की कटोरी नहीं होती उसके पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कहता है कि निम्न में से जब भी कोई चींटी आपको काटती है तो इनमें से कौन सा अम्ल आपके अंदर डाल देती है, मतलब किसका इंजेक्शन लगा के जाती है आपको। चलो जल्दी से बताओ, ठीक है। अच्छा अब इसी चीज पे एक और चीज सोचो कि मैम जो बच्चे होते हैं उसको क्यों कहते हैं कि उनको क्रॉल नहीं कराना चाहिए एकदम पैदा होते ही। कभी देखा है आपने किसी बच्चे को एकदम पैदा हुआ और उसके बाद रेंगने लग गया, नहीं, क्यों, क्योंकि उसके पास ये घुटने की कटोरी नहीं है, ठीक है। ये पटेला धीरे धीरे डेवलप होती है और अगले 6 महीने के अंदर उसके अंदर डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इस वजह से फिर वो आप देखते होगे 6 महीने में क्रॉल भी करने लगता है, ठीक है। चलो ओके 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 यस, फॉर्मिक एसिड बिल्कुल सही है। यहां देखो सिट्रिक एसिड खट्टी चीजों में, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ये अपना विटामिन सी है, ये भी खट्टी चीजों में मिलेगा, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड ऐसी खट्टी चीजें जो कच्ची भी है बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं इमली के अंदर टार्ट्रिक एसिड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। और टार्ट्रिक एसिड को ध्यान रखना, ये बेकिंग पाउडर का एक मुख्य घटक है। टार्ट्रिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा मिलके क्या बनाता है, बेकिंग पाउडर बनाता है, ठीक है। ध्यान रखोगे इन चीजों को कि इन दोनों से मिलके बेकिंग पाउडर बनता है, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट चीज आ जाती है कि इनमें से कौन सा जो है एसिड वह आपकी स्किन में इंजेक्ट किया जाता है एंटबाइट के द्वारा। आप क्या कह दोगे, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को हम और क्या कहते हैं, मिथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। ये मिथेनोइक एसिड जो होता है ये बिच्छी पत्ती के लिए भी पूछ लिया जाता है, यानी कि नीटल लीव्स के लिए भी पूछ लिया जाता है कि जब आपको नीटल लीव्स टच कर जाती है तो आपके अंदर कौन सा एसिड छोड़ जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना उन सभी में आंसर क्या हो जाएगा, मिथेनोइक अम्ल आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि HCOOH आपका सटीक आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा एक और चीज बताओ, अगर आपको चींटी काट जाए तो आपको अपनी स्किन के ऊपर क्या लगाना चाहिए आपके किचन में जो अवेलेबल हो। यस वेरी गुड, बहुत अच्छे। जल्दी से बताओ कि अगर आप लोगों के शरीर पे चींटी काट गई तो फिर आप लोगों को उसके ऊपर क्या लगाना चाहिए। तो आप क्या कह दोगे, मैम हमारे घर के अंदर बेकिंग सोडा रखा होता है तो हम बेकिंग सोडा उसके ऊपर लगा सकते हैं, या फिर हम साबुन से उस जगह को धुलेंगे तो भी हमें आराम पड़ता है। दूसरी बात आ जाती है, जो फॉर्मिक एसिड होता है ना, इससे क्या किया जाता है, तो 40% फॉर्मिक एसिड वाली जो आपकी वस्तुएं होती हैं, ठीक है, नहीं वो 40% फॉर्मल्डिहाइड है, सॉरी छोड़ो इसको, ठीक है। चलो ओके ओके ओके
चलो जल्दी से बताएंगे क्या आंसर करोगे। मैम देखो, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम है, आप बताइए कौन सा एक नेचुरल इकोसिस्टम है, यानी कि जहां पे नेचुरली सब चीज आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि एक प्रोड्यूसर मिल जाएगा। देखो इकोसिस्टम में क्या होता है, एक प्रोड्यूसर होता है खाना बनाने वाला, फिर उसको कोई खाता है हर्बीवोर, फिर हर्बीवोर को कोई कार्निवोर खाता है, ठीक है। यानी कि एक कौन है पकाने वाला, यानी कि भोजन पकाने वाला, जैसे प्लांट्स हो गए, प्लांट्स को खाते हैं जानवर, ठीक है, फिर जानवर को खाता है कोई और बड़ा जानवर। तो इस प्रकार का जो इकोसिस्टम है वो हमें जनरल रूप में कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप क्या कहोगे मैम, डेजर्ट जो होता है ना वो क्या है, वो एक अपना खुद का एक नेचुरल इकोसिस्टम है। वहां पे हमें हरे पौधे मिलेंगे जिनको कुछ आपके बकरी आदि खाते हैं, फिर बकरी आदि को कौन खाएगा, शेर खा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये अपना नेचुरल इकोसिस्टम है। दूसरी तरफ यहाँ पे गार्डन, डैम और एक्वेरियम, इन तीनों की ही बात करूं तो ये तीनों क्या हो जाते हैं, ये आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, यानी कि कृत्रिम इकोसिस्टम ये होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सा एक फूल का भाग है, बताइए फूल का निम्न में से कौन सा एक भाग है, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, ठीक है। वेरी गुड, आर्टिफिशियल है, वेरी गुड, बिल्कुल सही प्रबीर, ओके श्रीकांत सैनी, ओके पल्लवी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा मैम, जो श्री केसर होता है या पिस्टिल होता है, पूरा का पूरा ये वाला जो भाग है इसको हम पिस्टिल कहते हैं, ठीक है। पिस्टिल का ये वाला भाग इसको हम स्टिग्मा कहते हैं, यानी कि वर्तिकाग्र कहते हैं। पेपर में ये पूछा गया है सवाल कि आप बताइए वो वाला भाग कौन सा है जिसपे सभी पोलन ग्रेन्स आके चिपकते हैं। तो ध्यान रखना, स्टिग्मा का मतलब होता है चिपकना, स्टिकीनेस, ठीक है। तो स्टिकीनेस मतलब चिपक जाना, या फिर वर्तिकाग्र, वो वर्तिका का सबसे अगला हिस्सा जहां पे क्या होता है, जहां पे आके पोलन ग्रेन्स यानी कि जो भी आपके परागकण है वो आके चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखना इसको। यहाँ ये ओवरी है और ये स्टाइल है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा पुष्प का एक वो है, भाग है, तो आप आंसर क्या कर दोगे, पिस्टिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, बताइए कि निम्न में से कौन सा मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है, शेल्टर बेल्ट है, इंटरक्रॉपिंग है, रॉक डैम है, या फिर ओवरग्रेजिंग है, क्या आंसर करोगे। यस वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से कौन सा एक सॉइल कंजर्वेशन का मेथड नहीं है। देखो शेल्टर बेल्ट अगर आप लगाते हो तो शेल्टर मतलब क्या है, बचाव, ठीक है। बेसिकली होता है ना शेल्टर मतलब क्या, जहां पे आप लोग बच के रह सको। बेल्ट मीन्स क्या, आपने ऐसे स्ट्रक्चर्स बना दिए, ऐसी बेल्ट्स बना दिए हैं जिसकी वजह से जो मिट्टी है वो कट कट के आगे नहीं भाग पा रही है, ठीक है। दूसरा है इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग का मतलब है एक तरफ आप लंबी जड़ वाला पौधा लगाओ, दूसरी तरफ आप छोटी जड़ वाला पौधा लगाओ, इस प्रकार की इंटरक्रॉपिंग आप करते हो, ठीक है। तीसरा आ जाता है रॉक डैम, यानी कि आपने पत्थरों की मदद से क्या करा है, मिट्टी के कटाव को रोक दिया है, ठीक। तो ये तीन मेथड्स हो गए, लेकिन चौथा है ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है जितनी आपके लैंड की क्षमता है, ठीक है, उससे ज्यादा वहां पे आपने क्या कर लिया, जो घास है उसको उखाड़ लिया। मान लीजिए आपका जो खेत है वहां पे आपने घास उगाई है, ठीक है, और आप अपने जानवरों को वहां पे छोड़ देते हो किस चीज के लिए, खाने के लिए, कि हाँ तुम आराम से घास खाओ। तो अगर वो बिल्कुल ही ऐसे एकदम सफा चट कर देना, बिल्कुल अच्छे से, तो यहां तो कभी घास हुआ करती थी उसका नामो निशान तक ना पता चले, दैट इज नोन एज ओवरग्रेजिंग। यानी कि जितनी ज्यादा जरूरत हो उसको जड़ से उखाड़ लो आप अपनी घास को, तो वो ओवरग्रेजिंग में आती है, ठीक है। तो ये ओवरग्रेजिंग के माध्यम से क्या होगा, जो पौधे हैं जिसने मिट्टी की जड़ को पकड़ रखा है वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो रहे हैं और बारिश होगी, पानी के साथ वो सारी मिट्टी बह जाती है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से बताओ, क्या कह रहे हैं करण, क्या बात हो गई, चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर करो। क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड फाइबर दैट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल, इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वॉटर एंड एयर, इट वॉज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। अच्छा, आप लोगों को सवाल ये कहता है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा
मानव के द्वारा बनाया गया फाइबर है, रेशा है, जिसको मानव ने ना बिना किसी पौधे या फिर जानवर की हेल्प के बनाया है। जैसे जानवर की हेल्प से बनता है क्या, ऊन बन जाती है, ठीक है, पौधे की हेल्प से क्या बन जाता है, कॉटन बन जाती है, जानवर की हेल्प से बन जाता है सिल्क का धागा। तो उन सब को इस्तेमाल नहीं किया, सीधा क्या किया, सीधा दो केमिकल्स डाले और वहां से तार बनने लग गई। तो वो जो आपकी पहली तार है ऐसी, जिसको हम फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, वो कौन सी है, चलो जल्दी से बताएंगे। अच्छा, ये लोग अपने में चैट कर रहे हो, ओके फिर ठीक है अर्श, चलो ओके ओके ओके। बायोप्लास्टिक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम गलत उत्तर दे दिया है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सीधा आपसे पूछा क्या, फाइबर रेशा आपसे पूछा है ना। तो इन रेशों में देखो, या तो नाइलॉन होगा या फिर रेयॉन होगा, ठीक है। पॉलीस्टाइरीन जो होती है वह भी आपका रेशा नहीं है। तो इन दोनों में से आप देखो, नाइलॉन में आपको सेल्यूलोज मिलता है, लेकिन रेयॉन में आपको सेल्यूलोज मिलता है, लेकिन नायलॉन में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, दो केमिकल्स मिलते हैं, ठीक है। नायलॉन 6 किससे बना होता है, कैप्रोलैक्टम से बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखोगे। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। मतलब हम लोगों में से जितने भी जीव हैं, वो सभी क्या करते हैं, वो सभी अपने कैरेक्टर्स को कहीं ना कहीं से एक्वायर करते हैं। जैसे जिराफ, जिराफ का इन्होंने एग्जाम्पल लिया था, कहा था कि एक जमाना था जिस टाइम पे जिराफ भी छोटी गर्दन वाला हुआ करता था, लेकिन वो जो है ना इतना ज्यादा मजबूत नहीं था, यानी कि वो बहुत ज्यादा बलशाली नहीं था, ठीक है। अब वो बलशाली नहीं था, इस वजह से जितने भी अदर जानवर हुआ करते थे ना, नीचे की सारी घास खा जाया करते थे। अब जिराफ बेचारा देखता रहता था, मैं क्या खाऊं, मैं क्या खाऊं, मैं क्या खाऊं। फिर एक दिन उसकी नजर ऊपर गई, उसने देखा ऊपर पौधे हरे हैं, तो उसने क्या किया, अपनी गर्दन ऊंची करके खाने की कोशिश करी। उस समय तो उसकी गर्दन ऊंची नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी सभी जनरेशंस ने ऐसा करना शुरू किया, तो आगे धीरे धीरे उसका ये कैरेक्टर अगली जनरेशन में ट्रांसफर होना शुरू हो गया। इस चीज को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी कि अधिग्रहित चरित्र की विरासत जो है उसको आगे बढ़ाना। तो ये जो थ्योरी है ना, इसको हम लमार्किज्म के नाम से भी जानते हैं। इस थ्योरी को हम लमार्किज्म के नाम से भी जानते हैं। तो अब आप इस नाम से तो कह सकते हो ना कि मैम किसने खोजा होगा, आंसर क्या हो जाएगा, जीन बैप्टिस्ट लमार्क, ठीक है। जो बच्चे यहाँ पे डार्विन कह रहे हैं आंसर, तो ध्यान देखना बच्चे कि डार्विन जो है ना, उन्होंने क्या बताया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी दी थी, कि जो भी सबसे ज्यादा बलशाली होगा वो ही जिएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो अपना जिराफ है, ये भी तो फिट हो गया ना, इसने अपनी गर्दन ऐसे ऐसे बढ़ा के काम कर लिया, तो उसके अंदर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी एकदम अप्लाई हो रही है, क्योंकि वो फिट है, उसने अपनी गर्दन को एक्सटेंड किया, उसने टांगे उसकी जो है वो सपोर्ट करी उसकी टांगों ने, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, ये इनहेरिटेंस की अक्वायरेंस वाली, यानी कि अधिग्रहित चरित्रों वाली जो बात है, वो लेमार्क ने कही थी। अच्छा, लेमार्क की उल्टी बात किसने कही, यानी कि किसने इसका विखंडन किया, कहता ऐसा नहीं होता, तो इसका विखंडन किया था किसने, ऑगस्ट वीजमैन ने। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे चूहे लिए, 21 पीढ़ियों तक चूहे के दुम काटते गए, लेकिन जो 22वीं पीढ़ी वाला चूहा बना ना, वो भी दुम के साथ ही पैदा हुआ। उस तरीके से इन्होंने क्या किया था, अपने इस थ्योरी को, मतलब ये जो लमार्किज्म की थ्योरी है, इसको ऑगस्ट वीजमैन ने खंडित किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, आपके यूपी के पेपर में ये पूछा गया था। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के अन्य पेपरों में भी ये सवाल आ चुका है, ठीक है, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द वास्कुलर टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स इज कॉल्ड। बताइए, पानी में पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को यह कहा जाता है, चलो बताओ जरा जल्दी से। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, ए ए ए सी सी, बहुत बढ़िया। तो यहां पे देखो आंसर क्या हो जाता है, कि भैया ये जो अपना जाइलम होता है ना, ये जो अपना जाइलम होता है, जिसको हम दारू कहते हैं,
तो ये जो दारू होती है यही क्या काम करती है, यही पानी का और पोषक तत्वों का संवहन करती है पूरे प्लांट के अंदर। ठीक है, तो पूरे प्लांट के अंदर इन सभी के संवहन का काम किसका होता है, अपनी दारू का होता है, यानी कि जाइलम का होता है। ज से जाइलम, ज से जल। ठीक है, और फ्लोयम का काम क्या है, फ से फ्लोयम, फ से फूड। कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा, तो स्केलेनकाइमा को ध्यान देना कि ये पौधे को बाहरी कवच देती है। ठीक है, जैसे बार्क जो होती है वो इसी का काम है, और कोलेनकाइमा लचीलापन और साथ साथ क्या है, कठोरता देती है। लचीलापन प्लस कठोरता देना इसका काम है। ठीक है, ध्यान रखोगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू हमस आर नोन एज। बताइए, वो आपके जो भी ऐसे सूक्ष्म जीवी होते हैं जो मृत जीवों को और जानवरों को खाद और मिट्टी में तोड़ देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम बैक्टीरिया कहते हैं, उनको हम फंगस कहते हैं, उनको हम प्रोटोजोआ कहते हैं, या फिर डीकम्पोजर्स यानी कि अपघटन करने वाला कहते हैं। क्या आंसर कर दोगे, चलो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा चिंपी, ओके ठीक है, ए ए ए डी डी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए आंसर कर रहे हैं। बच्चे देखो, जीवाणु होते हैं लेकिन कभी कभी ये जो काम करते हैं ये आपकी कुछ बैक्ट वो भी करती है, प्रोटोजोआ भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जितने भी आपके ऐसे जीव होते हैं ना, यहाँ पे मैंने सभी सूक्ष्म जीवों को काउंट किया है, मैंने नहीं, वैसे ये यूपी के अंदर सवाल पूछा गया था ये, तो आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है डीकम्पोजर्स, क्योंकि ये सभी डीकम्पोजर्स एक साथ मिलके इन सब चीजों पे कार्य करते हैं। ठीक है, अच्छा एक सबसे मुझे एक चीज और याद आ गई, और वो यह थी कि आप में से जितने भी प्यारे छात्र हैं, जो बच्चे टेस्ट की बढ़िया से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप लोग testwale.com पे रजिस्टर कीजिए, और उसको क्या बोलते हैं, वहां पे आपको 6 महीने के लिए आपका सब्सक्रिप्शन बेसिकली आपको फ्री मिल जाएगा। तो जितने भी प्यारे छात्र हैं, वो क्विज के लिए, पीडीएफ के लिए, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, इन सभी के लिए आप इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। 14 जनवरी तक ये ऑफर आप लोगों के पास है। ठीक है, और विवेक सर का बर्थडे है उस दिन, तो उस दिन के लिए आपका एक तरीके का छोटा सा एग्जामपुर की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है। ठीक है, और साथ साथ ध्यान रखना कि 50,000 बच्चों ने पश्चिम बैच पे अपना भरोसा जताया है, तो आप लोगों को भी क्या करना है, आप लोग इस नंबर को 1,00,000 बना सकते हैं, और उसके लिए आप लोग 1,300 रुपए का जो अपना पश्चिम बैच है, इस पे 25% का डिस्काउंट पा सकते हैं जब आप लगाएंगे new25 का कोड। ठीक है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस तीनों के लिए आपकी तैयारी करवा देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहता है कि फ्रैंक विटल इज रिलेटेड टू, बताइए फ्रैंक विटल जो है वो निम्न में से किससे संबंधित है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि विद्युत चुंबकीय के चुंबकत्व के लिए, बेंजीन यानी कि लिक्विड गैसेस, और ऑप्टिकल ग्लास इन तीनों चीजों के लिए, इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत प्रवाह प्रेरण के लिए, और लास्ट आ जाता है जेट इंजन के लिए। क्या आंसर करोगे, क्या आंसर आ जाएगा, बी 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 बी। चलो आंसर क्या करोगे, कहोगे कि मैम जो फ्रैंक विटल है ना, इन्होंने जेट इंजन की डेवलपमेंट करी थी, यानी कि इनको जेट इंजन की खोज के लिए जाना जाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए आप किसको जानते हैं, तो आप कहोगे मैम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सब रिलेटेड होता है अपने माइकल मतलब अपने फैराडे से, और उसके साथ साथ बेंजीन हुआ और लिक्विड गैसेस हुआ और साथ साथ ऑप्टिकल ग्लास हुआ, ये सभी आपके माइकल फैराडे के द्वारा किया गया। तो इन सभी का आंसर माइकल फैराडे, और जेट इंजन फ्रैंक विटल के द्वारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, डैश आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एन एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द टीथ, आपके दांत की बड़ी बड़ी इमेज देखने के लिए, जैसे कुछ ये आपका दांत है छोटा सा, ठीक है इतना सा आपका दांत है इतू सा, लेकिन आपको उसकी इतनी बड़ी इमेज देखनी है, तो आप बताइए आपको कौन सा मिरर इस्तेमाल करना चाहिए, अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर, उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर, बायफोकल दर्पण यानी कि
द्विअवतलीय दर्पण, और लास्ट आ जाता है सादा दर्पण यानी कि समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। आंसर क्या कर दोगे कि मैम देखो बड़ी इमेज देखनी है ना, सीधी इमेज देखनी है, क्या करेंगे, सीधी और बड़ी इमेज सिर्फ और सिर्फ कनकेव मिरर दर्शाता है, तो इस वजह से आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगर हमें छोटी लेकिन सीधी इमेज देखनी होती तो हम उत्तल दर्पण का उपयोग कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है, प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है, चलो जल्दी से बताओ। कॉलरा है, आंत ज्वर है, पेचिश है या फिर क्षय रोग है, चलो जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, नाई की दुकान पे भी कनकेव मिरर लगा होता है, बिल्कुल सही बात है। मैम रिलैक्सिन हार्मोन किस काम आता है, बेटा जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई महिला है उन्होंने डिलीवरी करी है, ठीक है, तो डिलीवरी करने के लिए उनके जो शरीर है उनका जो पेल्विक बोन है उसको रिलैक्स करना पड़ेगा ताकि वो जो है वो थोड़ी सी दूर हो सके। ठीक है, जो पेल्विक बोन है उसमें से निकलने का रास्ता बहुत कम होता है तो वहां पे इसको पूरा रिलैक्स किया जाता है, तो रिलैक्सन हार्मोन इसी बोन में से रास्ता बनाने के लिए उपयोग करा जाता है। ठीक है बच्चा, चलो तो रिलैक्सन हार्मोन का ये काम है और ये आपके ओवरीज के द्वारा रिलीज किया जाता है। ओके ओके ओके, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा मैम, प्रोटोजोआ जनित रोग इनमें से कौन सा हो जाएगा, डिसेंट्री हो जाएगी। बाकी अगर मैं कॉलरा ट्राइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस की बात करूं, ये सभी बैक्टीरिया जनित रोग हैं, ये सब बैक्टीरिया से हो रहे हैं, जीवाणु से हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो जीवाणु जनित रोग है आप यहां ध्यान रखिएगा कि जीवाणु जनित रोग के जो रोगजनक होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम नाम के ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया था, चलो जल्दी से बताएंगे। इतने में देखती हूँ कल के क्वेश्चन का आंसर किस किस बच्चे ने बिल्कुल एकदम सही किया था, देखते हैं जरा कल के होमवर्क क्वेश्चन का आंसर किस किस बच्चे ने सही किया था। ओके, आदित्य सिन्हा का आंसर सही है, ल्यूमिनस फ्लक्स ल्यूमन ठीक है, और कैपेसिटेंस फेराड ठीक है, इल्यूमिनेंस लक्स में नापते हो आप, और मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी हम लोग टेस्ला में मापते हैं। साथ साथ मैंने आप लोगों से पूछा था इंडक्टेंस किस में मापी जाती है, तो हेनरी में उसको मापा जाता है। ठीक है, तो वेरी गुड आदित्य सिन्हा, सुशील कुमार योगी, अक्षय कुमार, वेरी गुड अर्चू मिश्रा, सोमनाथ दत्ता, हर्ष राज, श्रीति सिंह, स्मार्ट सुमन, सुरभि ठीक है, सलोनी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। ओके सी बिल्कुल सही है। अच्छा यहां देखो, आपसे यहाँ पे ओरल ड्रॉप नहीं पूछी, आप लोगों से यहाँ पे ओरल ड्रॉप नहीं पूछी, ओरल ड्रॉप किन्होंने करी थी, जो आप नाम आंसर कर रहे हो, जोन्स सॉल, ओरल ड्रॉप्स जो थी वो किन्होंने दी थी, तो क्या आंसर कर दोगे, जोनास सॉल्क ने दी थी। लेकिन अगर मैं पोलियो के टीके के लिए नैनो पैच की बात करती हूँ तो ये तो इन्होंने नहीं दिया। कोई बच्चा जो इसका आंसर सही करे, यस वेरी गुड सुरेश कुमार सैनी, बिल्कुल सही, सलमन वॉक्समैन जो है इनके द्वारा यहाँ पे पोलियो का नैनो पैच दिया गया था। अब यहाँ पे नैनो पैच को समझो, साथ साथ अगले क्वेश्चन का आंसर करो, तो बेसिकली ये जो नैनो पैच होता है ये क्या करता है, नैनो पैच मतलब इतना सा पैच होगा, ये पेपर का एक टुकड़ा होता है, जैसे बैंडेड होती है ना बैंडेड, ऐसे करके दवा को जो भी आपकी पेन रिलीवर होता है या फिर ये कौन सी है, ये किसका नैनो पैच बना है, पोलियो का, हाँ तो पोलियो की जो दवा होती है इसको बैंडेड जैसे एक टुकड़े के अंदर
लगा दिया जाता है और उसको फिर बच्चे के स्किन के ऊपर लगा दिया जाता है। उसको जनरली इधर हार्ट के पास या फिर आपके बाजू के पास कंधे के ऊपर लगा दिया जाता है, ठीक है। और उससे क्या होगा, वो धीरे धीरे उसकी जो वैक्सीन होगी, जो दवा होगी, वो बच्चे के सेल्स के अंदर जाती है और क्या करेगी कि वो जो नैनो पैच होगा उसके द्वारा बिना ओरल तरीके से उसको दवा दिए उसके शरीर के अंदर वो एंटर कर जाती है। अगर आप बहुत ध्यान दें तो बेसिकली आपके पास पेन रिलीवर पैचेस आते हैं, ठीक है, जो आपको दर्द से बचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप सभी। अच्छा ठीक है, फॉक्समैन जो है वो स्पाइडरमैन का भाई है, इन लोगों ने अभी अभी मुझे नया खुलासा करके दिया, चलो मान लिया मैंने। आगे चलो, यहाँ पे देखो भैया, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पता चला आप इन बच्चों की बातों में आ जाओ। यहाँ चलो देखो जरा, इनमें से किस प्रकार की विषाक्तता को प्लम्बिज्म भी कहते हैं। तो अब देखो, प्लम्बिज्म जो होता है वो प्लम्बम के कारण होता है। अब ये प्लम्बम क्या है मैम? तो प्लम्बन कहते हैं हम लेड को, ठीक है, याद करो ना। लेड का फॉर्मूला क्या है, मतलब वो साइंटिफिक सिंबल क्या है? आप कहोगे मैम पीबी होता है, तो पीबी मतलब प्लम्बम। तो ये जो प्लम्बम है यानी कि लेड पॉइजनिंग है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, शीशे की विषाक्तता हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आंसर क्या, सीसा विषाक्तता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, निम्न में से स्टडी ऑफ फ्रूट कल्चर अ ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर इज टर्म्ड एज। अच्छा, आपको बताना है अगर कोई भी इंसान जो है वो क्या करता है, वो पौधों का फलों को उगाता है, ठीक है, या फिर उनका अध्ययन करता है, तो वो इनमें से क्या चीज कर रहा है? हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी काम कर रहा है, ओलेरिकल्चर कर रहा है, पोमोलॉजी कर रहा है, या फिर फ्लोरिकल्चर कर रहा है? क्या आंसर करोगे? चलो जल्दी से बताएंगे। यस, सीसा बिल्कुल पॉइजनस होता है और तभी उससे एक रोग होता है जिसको हम प्लम्बिज्म कहते हैं ना। ओके ओके, हार्वेस्ट, ओके, पोमोलॉजी, वेरी गुड अर्जुन मिश्रा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। शेखर नायक, वेरी गुड, नायक भी बहुत दिनों बाद क्लास में है। विजय, ओके, प्रियंका, बहुत बढ़िया, आंसर क्या हो जाएगा? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो होता है, पोमो मीन्स होता है फ्रूट, लॉजी मीन्स अध्ययन, तो पोमोलॉजी हुआ फ्रूट्स का अध्ययन। साथ साथ ओलेरिकल्चर ध्यान रखना, ये वेजिटेबल्स की क्या होता है, खेती जो होती है उसको हम ओलेरिकल्चर कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा एक और चीज बताओ फिर मैम, ये हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्या आंसर करोगे? हार्वेस्ट, ये क्वेश्चन हमने अभी भी किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? चलो जल्दी से बताइए। अब देखो, हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है कि आप लोगों ने फसल उगा रखी है, अब इस फसल को काटना है, ठीक है, फसल को अब काटना है। तो आप ये बताइए कि वो जो उसके ऊपर जो जो आपके मशीन्स लगेंगे, आप किस तरीके से वहां पे काट सकते हो, कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हो, वो सब आपका हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में आ जाता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्या कह दोगे कि मैम खून की जो कोशिका, खून के अंदर जो कुछ कोशिकाएं होती हैं जो रक्त के थक्के जमाती हैं, उनको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, या फिर आम भाषा में हम उनको प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लेटलेट्स होती हैं बच्चे, अगर मैं इनकी बात करती हूँ, यही इनके अंदर थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है जो क्या करेगा, जो रक्त के थक्के जमाता है जब वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है, ध्यान रखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है जिसे कहा जाता है डैश। ओके चलो, तो यहाँ पे देखो इन्होंने बोला ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म प्लस ओवम गिव्स डैश। बताओ चलो क्या बनाएगा, एक जाइगोट बनाएगा, एक आपका युग्मनज बना देता है, भ्रूण बना देता है, डिंब बना देता है, या फिर शुक्राणु बना देता है? क्या आंसर करोगे? आंसर क्या हो जाएगा? यस बिल्कुल सही, युग्मनज यानी कि एक जायगोट बना देगा, ठीक है, युग्मनज बोले तो जायगोट, ठीक है, और भ्रूण बोले तो एम्ब्रियो, ठीक है, या फिर फीटस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेम द वैक्सीन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मीजल्स। जल्दी से बताइए, मीजल्स यानी कि खसरा जो होता है, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सी वैक्सीन देते हैं? एम के आर, एम आर आर, एम पी एम, एम एम आर,
ये दवा का नाम मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, ओके जाइगोट जाइगोट ए सबने सही दिया। आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्या हो जाएगा, कौन सी दवा का उपयोग आप लोग करते हो? ओके स्माइली एवर, चलो जल्दी से बताइए। ओके ओके डीडीडी एमएमआर, ओके जाइगोट, ठीक है, वेरी गुड। यहां देखो बहुत ध्यान देना कि ये जो अपना मीजल्स होता है यह आपका वायरल डिजीज है, ठीक है। कौन से वायरस के कारण होता है? पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है, ठीक है। कौन से वायरस के कारण? पैरामिक्सो वायरस। तो ये जो पैरामिक्सो वायरस है तीन रोग कर सकता है, एक है मीजल्स, दूसरा कौन सा है? दूसरा है मम्स और तीसरा है रुबेला, ठीक है। तो ये इन तीन रोगों को करता है, तो इन्हीं तीनों रोगों को टारगेट करने वाली अपनी एक दवा होती है, उस दवा का नाम क्या है? एमएमआर, ठीक है। उसका नाम क्या है बच्चे? एमएमआर नामक दवा हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना, खसरे के लिए आप कौन सी दवा का उपयोग करते हो? क्या कह दोगे, मैम खसरे के लिए हम उपयोग करते हैं एमएमआर नामक दवा का, जिसका पूरा नाम है मीजल्स मम्स रुबेला, ठीक है। क्या है? मीजल मम्स रुबेला। सबको समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा जिसे इतनी बात समझ में ना आई हो? आज मैंने होमवर्क क्वेश्चन नहीं दिया ना, ये क्वेश्चन हो गया था, नहीं हुआ था आज का होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही इजी सवाल है, आप लोगों से यहां पे पूछा गया है कि कौन से प्रकार का मिरर आपके इंफ्रारेड रेज यानी कि जो सूरज से जो किरणें आ रही हैं उनको एक साथ लाके केंद्रित करता है और आपके सोलर कुकर्स में उसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉनकेव है, प्लेन है, पैराबोलिक है या फिर कन्वेक्स है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में करेंगे और कल मैं देखूंगी किस किस बच्चे ने सही आंसर किया है, ठीक है। और साथ साथ जिस भी बच्चे ने अभी तक testwale.com को डाउनलोड करके रजिस्टर वहां पे नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि 14 जनवरी तक आप लोगों को यह ऑफर मिल रहा है जिसके अंदर आपको 6 महीने का टेस्ट के लिए सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री मिल रहा है। टेस्ट के साथ साथ क्विज, पीडीएफ और करंट अफेयर्स के नोट्स भी आपको वहां पे मिलेंगे रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो ये 6 महीने का जो आपका सब्सक्रिप्शन है आप लोग इससे जल्दी जुड़ जाइएगा, नहीं तो फिर ये पेड हो जाएगा, है ना। और साथ साथ 7 जनवरी तक आप लोगों के लिए new25 जो कूपन कोड है उसको आप अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, उसको अप्लाई करके अपना बढ़िया तरीके से परचम बैच से जुड़ सकते हैं। परचम बैच में 50,000 बच्चों ने अपना प्यार दिखाया है, लेट अस मेक दिस नंबर 1 लाख, ठीक है। आप सभी जो है जल्दी से जल्दी जितना जुड़ेंगे वैसा उतना ही आप लोगों को फायदा होगा। यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो हमारे परचम बैच से पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को, आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर कीजिए, आपको कैसा लग रहा है परचम बैच में पढ़ के, ठीक है। आपको मजा आ रहा है, आपके टॉपिक्स कैसे क्लियर हो रहे हैं या नहीं, जिससे बाकी बच्चे भी इस बैच का आनंद उठा पाए, ठीक है। तो चलिए फिर, ध्यान रखना कि 7 जनवरी तक ही ये जो कोड है ये new25 आपके लिए एप्लीकेबल है, उसके बाद फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। ओके दिनेश, प्रीति, सुमी, राहुल, सनी, शुभम, महतो, संजय, सुरभि, अर्चू, गणेश, चलो फिर तो अब एक काम करते हैं, विराम लेते हैं। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।